आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। अप्रैल 6 को यस बैंक में काफी तगड़ा उछाल आया है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। आइए चलकर खबर के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको यस बैंक को टेक्निकली माध्यम से भी। Q3 के नंबर यहां पर ब्रॉडली इन लाइन है, बहुत अच्छे नंबर है। यहां पर जो डिपॉजिट है 22% ग्रो किया है, लोन्स जो है 8% ग्रो किए हैं, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के आने की उम्मीद है इन नंबरों के जहां से को अगर देखा जाए और उससे रुझान निकाला जाए तो 300 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली आएंगे। साथ साथ में इन्होंने ब्रुकफील्ड एंड ब्लैक रॉक के साथ अप्रोक्सीमेटली 5-10% स्टेक सेल करेंगे QIP के द्वारा, जिससे यहां पर 10,000 करोड़ रुपए ये इकट्ठा करेंगे और इससे इनके एडवांस लोन को भरपूर की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखिए वॉल्यूम बढ़ेंगे स्टॉक में और साथ साथ में ये बात समझिए, म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 महीनों में इसका एक बेस बना दिया है, 11 से 12 के बीच में कभी भी उससे नीचे नहीं जाएगा अब, क्योंकि म्यूचुअल फंड पेल कर खरीद रहे हैं इस स्टॉक को इस लेवल पर। तो आपको ध्यान रखना है, जब म्यूचुअल फंड ने इसको स्टॉक को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया है, ये इसके नीचे नहीं जाएगा और यहां से अब ऊपर चलने की शुरुआत करेगी, वॉल्यूम बढ़ेंगे ये हमारी उम्मीद है। आइए जरा चलकर आज का भाव देखते हैं। तो 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा जंप है, 8% की तरह से इसने जंप किया है। वॉल्यूम देखिए तो अभी यहां पर इसमें करीब 250 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया लेवल पर इसकी खरीदारी हो रही है। देखिए यहां पर जैसे ही 12 के आसपास आता है, कई बार इसने 12 के आसपास आने की कोशिश की और म्यूचुअल फंड इसको काफी अच्छे लेवल पर खरीद रहे हैं। एक बार यहां पर आया, एक बार यहां पर आया, एक बार 12.50 के आसपास, तो ये अब एक तरह से बेस बना चुका है इसको यहां पर अगर आप खरीदते हैं तो। अगर आपने पिछले 1 साल से इसको खरीदा हुआ है तो 13 रुपए के आसपास हर एक दिन अगर आप क्लोज करते हुए खरीदते हैं, 13 रुपए के आसपास इसका एवरेज है। यही चीज अगर देखें तो यहां पर पहले भी इसने 11-12 के आसपास काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था और जब से नवंबर एंड से म्यूचुअल फंड ने इसको खरीदना शुरू किया, देखिए उसने फिर 11 के नीचे कभी भी झांकी नहीं दिखाई है अपनी। बुलिंजर बैंड के बाहर निकल गया है, बैंडविड्थ अभी 10 ही है तो और ऊपर जा सकता है। यहां से सबसे पहला टारगेट इसका 18 रुपए का रहेगा। सुपर ट्रेंड ने आज बाई सिग्नल जनरेट किया है, RSI का लेवल 68 है तो अभी भी ये ओवरबोर्ड जोन में नहीं आया है, चाहे तो इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर हमारी पेड सर्विस चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद।